दोस्तों जब क्रेडिट स्कोर में कोई डिफॉल्ट नहीं होता है तो हमारे क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन सक्सेसफुली अप्रूवेड हो जाती हैं। जी हाँ गाइस, हमारे एक फ्रेंड है, उनको विदाउट किसी इनकम प्रूफ के फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मिल गया है। उस क्रेडिट कार्ड में लिमिट कितनी मिली है, आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है ताकि आपको विदाउट किसी इनकम प्रूफ के फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मिल जाए, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही गाइस, मेरे पास में जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उसकी अनपैकिंग करके आपको बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप इन फ्यूचर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें और आपके पास में अगर क्रेडिट कार्ड रिसीव होता है तो उस कार्ड को आप देख पाए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और अमेजोन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड, इन दोनों क्रेडिट कार्ड को कौन नहीं लेना चाहता। इन दोनों क्रेडिट कार्ड में कुछ ऐसे बेनिफिट मिलते हैं, कुछ ऐसे फीचर है जो बाकी किसी अदर क्रेडिट कार्ड में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो गाइस, डेफिनेटली अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक और अमेजोन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के लिए जरूर ट्राई करें। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली आपका अप्लाई नहीं हो जाता है, और अप्लाई अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को करते हैं तो आपके कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती है। तो गाइस, इन कार्ड को अप्लाई करने से पहले आपके पास में एक दूसरा क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास में पहले से कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड है जिसको आप यूज कर रहे हैं, 6 महीने साल भर से आप यूज कर रहे हैं, उसका क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट होता है, बिल पेमेंट होता है, उसको अगर आप टाइम से पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक समय बाद आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपके कार्ड की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। या फिर दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपका कोई लोन है, प्रीवियस में अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उस लोन का बिल आपको टाइम पर पे करना है। लोन की जो भी इंस्टॉलमेंट होती है उसको आपको टाइम पर पे करना है। अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट को टाइम पर पे करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है, क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, और क्रेडिट स्कोर के बेस पे भी आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन अप्रूव हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी के साथ में ऐसा नहीं होता है कि किसी इंडिविजुअल की क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो हमारी क्रेडिट कार्ड भी उसी डेटा के बेस पे अप्रूव हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। बट गाइस, जिनको क्रेडिट कार्ड मिला है उसका क्रेडिट स्कोर हम चेक कर सकते हैं, उनके कितने स्कोर पर उनका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको कैसे अप्लाई करना है। तो गाइस, वीडियो के साइड में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले आपको अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, और गाइस डाउन में आपको एक क्रेडिट का ऑप्शंस मिलता है, उस क्रेडिट के ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। क्रेडिट के ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे तो गाइस आपको यहां पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक अप्लाई करने का ऑप्शंस मिल जाएगा। अगर आपके अंदर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का ऑप्शंस नहीं है तो आपको वेट करना है, बट अगर आपके पास में ऑप्शंस है तो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लेना है। बट गाइस, आपको ध्यान रखना है, अगर आपने इससे पहले अप्लाई किया हुआ है किसी क्रेडिट कार्ड के लिए और आपके कार्ड की एप्लीकेशन डिक्लाइन हो गई है तो आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, थोड़े दिन आपको वेट करना है। बट गाइस, अगर आपके पास में ऑप्शंस है तो आप डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन होगी वो विदाउट किसी इनकम प्रूफ के, विदाउट किसी इनकम रिक्वायरमेंट के क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाएगी। जी हाँ गाइस, अभी के टाइम पे जो लोगों को फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको यहाँ पर इनकम वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपके जो कार्ड की एप्लीकेशन होती है वो डायरेक्टली अप्रूव हो रही है और लोगों को क्रेडिट कार्ड उनके होम एड्रेस पर डिलीवर हो रहे हैं। बट गाइस, आपको यहाँ पर एक बात देखने को मिलेगी, अभी के टाइम में जितने लोगों को भी विदाउट इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं उसकी लिमिट थोड़ी कम होती है, और लिमिट कम होती है ये मायने नहीं रखता। बट गाइस, आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक जैसा क्रेडिट कार्ड मिल रहा है ये आपके लिए काफी बड़ी बात है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। जी हाँ गाइस, जो भी आप प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, उस प्रोडक्ट पर आपको 5% का फ्लैट कैशबैक दिया जाता है। तो यही सब बेनिफिट है इस क्रेडिट कार्ड का। अब गाइस, मेरे पास में जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड
है उस क्रेडिट कार्ड की अनपैकिंग करके आपको बता देता हूँ, लिमिट कितनी मिली है, बिलिंग पीरियड क्या रहता है। आइए पूरी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। क्रेडिट कार्ड की पैकिंग कुछ इस टाइप से आती है। क्रेडिट कार्ड को अनपैकिंग करके हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड के साथ में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड कुछ इस टाइप से आता है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार आपको जो भी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड अभी के टाइम में रिसीव होता है, उस क्रेडिट कार्ड की जो ऑनलाइन सर्विस होती है, ऑनलाइन आप स्पेंड करते हैं, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, वो सभी सर्विसेज ऑफ होती है, उसको आपको मैन्युअल ऑन करना होता है। उसके बाद ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ऑन कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड की पैकिंग के साथ में ये वाला पेपर आपको दिया जाता है और इसी पेपर पर मेंशन होता है आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है। तो गाइस वीडियो में आप देख सकते हैं प्राइमरी क्रेडिट कार्ड हमारा मेंशन है, क्रेडिट लिमिट 15,000 है। तो गाइस लिमिट तो कम है, बट जैसे जैसे हम क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती रहेगी। इंटरनेशनल क्रेडिट लिमिट यहाँ पर 50,000 है और कैश विड्रॉल लिमिट यहाँ पर 4,500 है। बट गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्सनली, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आपको बिल्कुल भी कैश विड्रॉल नहीं करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस आप देख सकते हैं 500 रुपीज, एनुअल फीस यहाँ पर 500 रुपीज मेंशन है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है। वीडियो में आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टू गुड, इन वेबसाइट पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड करेंगे, शॉपिंग करेंगे, परचेज करेंगे तो आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक दिया जाएगा। जो भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उस प्रोडक्ट के वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको अपने स्पेंडेड अमाउंट पर 5% का कैशबैक दिया जाएगा। इसके अलावा इसके जो भी प्रीफर्ड पार्टनर हैं उसमें आपको 4% का कैशबैक दिया जाएगा। बाकी अगर आप कहीं पर भी स्पेंड करें आपको 1.5% का कैशबैक दिया जाएगा। तो कैशबैक बेनिफिट काफी अच्छा है। और गाइस इसके अलावा आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर देखने को मिलता है, 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सेस भी मिलती है। इसके अलावा आपको 20% ऑफ इनके 4,000 प्लस रेस्टोरेंट में आपको देखने को मिल जाता है। इनके जो भी टाइप रेस्टोरेंट हैं वहां पर आपको 20% ऑफ देखने को मिलेगा एंड आपका एक्स्ट्रा सेविंग होगा इसके ईएमआई पर। तो गाइस ये सभी बेनिफिट आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए।